स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल एम के स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.6। तो आइए एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर वन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, उसे हमें कन्वर्ट करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये देखते हैं, नंबर वन में है 1, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। और यहाँ पर ए जो है वो क्या है हमारा 1 है, और बी जो है वो हमारा क्या है 2 है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 1 + 2 आयोटा। तो ये हो गया इस ऑर्डर्ड पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं नंबर टू को। और नंबर टू में क्या है, 2, 2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर ए क्या है 2 है, और बी क्या है हमारा 2 है, तो इसके साथ क्या हो लगेगा, आयोटा लगेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, या ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म क्या होगा, 2 + 2 आयोटा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं नंबर थ्री को। और नंबर थ्री में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4, इसे हमें कन्वर्ट करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो हमें पता है ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ पर ए क्या है हमारा 3 और बी क्या है हमारा 4 है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म क्या बनेगा, 3 + 4 आयोटा। यहाँ पर ए जो है वो 3 के इक्वल है और बी जो है वो 4 है, और हमारा आयोटा हमें पता है ऑर्डर पेयर में जो हम नंबर लिखते हैं उसके साथ आयोटा नहीं लिखते, पर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर हम आयोटा लिखते हैं। तो इसमें ये था हमारा नंबर थ्री। तो ऐसे सॉल्व करते हैं नंबर फोर को। और नंबर फोर में कौन ऑर्डर पेयर जो हमें गिवन है वो है 1 - 1, 1, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेम वैसे इस फॉर्म में, इसमें ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। यहाँ पर जो ए है वो क्या है हमारा 1 है, और बी जो है वो हमारा क्या है 1 है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 1 + आयोटा बनेगा, क्योंकि 1 है 1, हमने क्योंकि 1 है 1 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 हर एक नंबर का कोफिशियंट होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं, इसलिए -1 + आयोटा लिख रहे हैं। यहाँ पर ए जो है वो -1 के बराबर इक्वल है, और बी जो है वो 1 के इक्वल है, इसलिए बी की जगह हम 1 नहीं लिख रहे हैं पर आयोटा लिख रहे हैं। करते हैं नंबर फाइव को। और नंबर फाइव में क्या है, -2, 2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, इसे सेम वे से हमें ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है -2 है, और बी जो है वो क्या है हमारा 2 है। तो इसका ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म क्या बनेगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म -2 + 2 आयोटा। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस ऑर्डर्ड पेयर का। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं नंबर सिक्स को। और नंबर सिक्स में क्या है, और नंबर सिक्स में जो हमें ऑर्डर पेयर गिवन है वो है -3, 4, इसे हमें कन्वर्ट करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो यहाँ पर ए जो है वो -3 है, और बी क्या है हमारा 4 है। तो इसका सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, -3 + 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, हमें ऑर्डर पेयर गिवन थे उसे हमें कन्वर्ट करना था ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर टू में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो गए, और हमें पहचाना है कि उसके कौन से रियल पार्ट्स हैं और कौन से इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। और क्वेश्चन नंबर टू में जो नंबर वन है वो है 1 + 2 आयोटा। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको पता होगा कि अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म होगा। तो ए वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रियल ऑफ जेड होगा, और बी वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा, इमेजिनरी ऑफ जेड होगा। तो यहाँ पर जिस नंबर के साथ आयोटा होगी वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगी तो वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में रियल ऑफ जेड जो है वो हमारा क्या है, 1 है, और इमेजिनरी ऑफ जेड है वो क्या है हमारा, 2 आयोटा। मतलब यहाँ पर जो ए वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, रियल पार्ट है 1 वाला, और यहाँ पर जो 2 आयोटा है वो हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। मतलब उसे इस तरह से लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल 2 आयोटा, और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल 1। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। और क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, 9 + 4। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा हमारा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सेम वे से जिसके साथ आयोटा होगी वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगी तो वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, रियल पार्ट होगा। तो सॉल्यूशन में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर जो 4 है वो हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और 9 आयोटा है वो हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
वो कौन सा है, 9 आयटा। तो ये था हमारा नंबर टू, और नंबर टू में सिर्फ यही हमें आइडेंटिफाई करना था कि हमारा कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसलिए जो हमारा 4 है वो क्या है, हमारा रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है वो क्या है, 9 आयोटा, इसलिए ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में हमें एक ऑर्डर पेयर गिवन है, वो क्या है, -5, 6। और हमें पता है अगर हम अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे किस तरह से लिखेंगे, a, b, क्योंकि आयोटा ऑर्डर पेयर में हम आयोटा को नहीं लिखते, पर आयोटा की जगह हम बी को लिखते हैं, और आयोटा को हम समझते हैं कि वो बी के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर क्या है, -5, 6। तो यहाँ पर 6 जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और 5 -5 जो है वो ए के इक्वल है। तो अगर इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारा -5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमारा जेड जो होगा वो हमारा क्या होगा, 6 आयोटा होगा, या आप 6 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो है -1, -iota। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें पता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+iota b के फॉर्म में, तो यहाँ पर a जो होगा वो हमारा -1 होगा, और iota जो होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो सॉल्यूशन में रियल पार्ट ऑफ जेड जो हमारा होगा क्या होगा, -1 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो हमारा क्या होगा, -iota होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आयोटा है इसलिए हम -iota लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो वो नंबर भी इसके साथ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नंबर 4, और नंबर 4 में हमने बताया कि हमारा कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में क्या है, -3/4 माइनस, और ब्रैकेट में -4/5 iota। अगर इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कराए तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, -3/4 + 4/5 iota। तो हमें बताना है कि इस नंबर में हमारा कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो सॉल्यूशन में इसके साथ आयोटा है तो ये हमारा कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, और इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। तो मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो हमारा क्या होगा, -3/4 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या जेड वो क्या होगा, 4/5 iota होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर 4, तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर 5, उसमें हमें बताना था कि हमारा कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है। तो -3/4 जो है वो हमारा रियल पार्ट है, और 4/5 iota जो है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसा सॉल्व करते हैं नंबर 6, और नंबर 6 में क्या है, 2 iota - 1। 6 में हमें बताना है कि कौन सा हमारा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें पता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a+iota b के फॉर्म में, मतलब जिसके साथ b होगी वो हमारा इमेजिनरी पार्ट, मतलब जिसके साथ आयोटा होगी वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगी वो हमारा क्या होगा, रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो -1 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है हमारा, 2 आयोटा है। तो सॉल्यूशन में रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू -1, और इमेजिनरी ऑफ जेड या इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या हो गया हमारा, 2 आयोटा होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था या पहचाना था कि कौन से हमारे रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के और कौन से हमारे इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ उसे हमें सेपरेट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सोल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, स्टूडेंट्स आए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, a+iota b, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या कर देंगे, जेड बार, और कॉन्जुगेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एक बार दे दें जेड के ऊपर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, a - iota b। कॉन्जुगेट में सिर्फ हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो आप देखिए, ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसका कॉन्जुगेट किस तरह से करेंगे, z bar = a - iota b। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा ना, उसके हम साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। सिर्फ कॉन्जुगेट हम यही करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ हम यही करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर 1 को, नंबर 1 में क्या है, 3 + 2 iota, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सपोज करें कि ये जेड के इक्वल है 3 + 2 iota, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा,
जेड बार इज इक्वल टू 3 - 2 iota। सिर्फ हम इस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगी। सिर्फ कॉन्जुगेट में हम यही करते हैं, बस इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। कौन सा सॉल्व करते हैं नंबर टू को, और नंबर टू में हमें एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 4, 9, हमें एक ऑर्डर पेयर गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो किस तरह से होगा, 4 + 9 iota, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में या a + iota b के फॉर्म में। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 9 iota होगा। ये हो गया इस नंबर टू का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर थ्री को, और नंबर थ्री में हमें एक ऑर्डर पेयर गिवन है, वो क्या है, -1, 1 है। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, -1 + iota, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में या a + b के फॉर्म में। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट करें तो क्या होगा, -1 - iota हो जाएगा। हम रियल पार्ट की साइन जो होगी वो एज इट रहने देंगे, अगर रियल पार्ट हमारा माइनस का होगा तो माइनस का होगा, अगर प्लस का होगा तो प्लस का होगा, पर हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा ना सिर्फ उसकी हम साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, कॉन्जुगेट हुआ। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर फोर को, और नंबर फोर में क्या है, 1 - iota, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आइए इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 + iota होगा। तो हमें पता है अगर एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iota b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z⁻ = a - iota b, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर था वो क्या था हमारा, 1 - iota था, तो इसका हम कॉन्जुगेट किस तरह से करेंगे, 1 + iota, क्योंकि यहाँ पर माइनस थे इसलिए यहाँ पर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर फोर। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर फाइव को, और नंबर फाइव में क्या है, -3/4 + -4/5 iota, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, पर इसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिखते हैं, -4/3/4 - 4/5 iota। अब हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, तो हमारा रियल पार्ट जो होगा वो एज इट रहेगा -4/5, पर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी, और 4/5 iota, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर फाइव। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर सिक्स को, और नंबर सिक्स में क्या है, 3 iota + 1, तो इसका हम क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो इस तरह से नंबर आएगा 1 + 3 iota, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 - 3 iota, या आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, -3 iota + 1, क्योंकि माइनस, क्योंकि यहाँ पर 3 iota जो वो प्लस का, अगर उसको कॉन्जुगेट करेंगे तो -3 iota आ जाएगा, और हमारा रियल पार्ट जो वो एज इट रहेगा, मतलब +1 रहेगा। अगर आप इसको रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं तो फिर भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 1 - 3 iota होगा, या -3 iota + 1 होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, और क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे उसका हमें क्या फाइंड करना था, कॉन्जुगेट फाइंड करना था। और हमें पता है कि अगर एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट किस तरह डिफाइंड करेंगे, मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसकी क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। जो रियल पार्ट की जो साइन होगी ना वो एज इट रहेगी, माइनस की होगी तो माइनस की रहेगी, अगर प्लस की होगी तो प्लस की रहेगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को, क्वेश्चन नंबर फोर को, और क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, वेरीफाई दैट जेड कॉन्जुगेट ऑल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई प्रूव करते हैं कि ये जो हमारा है क्या जेड कॉन्जुगेट ऑल कॉन्जुगेट जो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, ये प्रूव करते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर फोर के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सपोज करें कि जेड जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं वो है ए प्लस आइटा बी के बराबर है, ये हमने एक अज्यूम किया है कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो इसके इक्वल है। अब उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, और उसके बाद होल कॉन्जुगेट करेंगे, क्या वो जेड के इक्वल आ रहा है, तो इसका क्या फाइंड करते हैं, इसका हम कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी, क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया जेड कॉन्जुगेट। अब इसका हमें क्या करना है, होल कॉन्जुगेट करना है, मतलब जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट। तो अगर इसका हम होल कॉन्जुगेट करें तो क्या होगा, जेड ए प्लस आइटा बी, क्योंकि जेड कॉन्जुगेट का जो हमें रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, ए माइनस आइटा बी। अब इसका हमें होल कॉन्जुगेट करना है, फिर से कॉन्जुगेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस थी तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, प्लस मिल जाएगी। तो ए प्लस आइटा बी, और ये किसके इक्वल है, हमने अज्यूम किया था ये हमारा जेड के इक्वल है। तो मतलब जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे और हमें प्रूव करना है कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, जेड के इक्वल है।
तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के प्रॉब्लम्स। नंबर 1 जो है वो क्या है, ब्रैकेट में 4 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 10 आयोटा, इसका हमें क्या फाइंड करना है, जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट वो क्या है जेड के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, मतलब 4 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 10 आयोटा। अब तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम जेड के इक्वल ले रहे हैं, अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे और होल कॉन्जुगेट करेंगे, क्या वो जेड के इक्वल आ रहा है, तो ये अपने जेड के इक्वल है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट की सिर्फ साइन चेंज करते हैं और रियल पार्ट जो होगा वो हमारा एज इट रहेगा। तो 4 अपॉन 7 माइनस 9 अपॉन 10 आयोटा, ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब इस कॉन्जुगेट का हम क्या करना है, होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर से हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 10 आयोटा। तो ये हमें क्या मिल गया है, एक जेड कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट मिल गया है। तो आप देखिए ये जो हमने जेड अज्यूम किया था वो उसके इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो आप देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है क्या मिला है, 4 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 10 आयोटा मिला है, और अज्यूम किया था वो किसके इक्वल था, जेड के इक्वल था। तो आप देखिए दोनों जो सेम आ रहे, क्या जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, जेड के इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, जेड के इक्वल है। तो ये हमारा नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, माइनस 9 अपॉन 11 प्लस 10 अपॉन 9 आयोटा। हमें प्रूव करना है कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, जेड के इक्वल है, हमें वेरीफाई करना है। तो हम अज्यूम करते हैं या हम सपोज करते हैं कि 9 अपॉन 11 प्लस 10 अपॉन 9 आयोटा ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट, और फिर से उस कॉन्जुगेट का हमें अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और हम चेक करेंगे क्या वो जेड के इक्वल आ रहा है इस नंबर के। तो सबसे पहले हम इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो हम क्या मिल रहा है, माइनस 9 अपॉन 11 माइनस 10 अपॉन 9 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अब फिर से हम इस जेड कॉन्जुगेट का हमें क्या फाइंड करना है, होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 11 प्लस 10 अपॉन 9 आयोटा। तो यहाँ पर माइनस थी तो यहाँ पर क्या आ गई, प्लस आ गई। तो आप देखिए जो हमें जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो रिजल्ट वो हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, वो इक्वल था जेड के। तो आप देखिए जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो हमें रिजल्ट मिला है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो वो क्या है, जेड के इक्वल है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर 2 में वेरीफाई कर दिया है कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। हमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। हम अज्यूम करते हैं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट, और फिर से उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, और क्या वो जेड के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो हम क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट जो होगा, क्योंकि रियल पार्ट जो होगा वो हमारा एज इट रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। अब फिर से हम जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, मतलब अगेन कॉन्जुगेट करेंगे, तो क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर जेड कॉन्जुगेट पर, तो यहाँ पर जेड कॉन्जुगेट का जो इमेजिनरी पार्ट था उसकी साइन प्लस थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। और आप देखिए हमें जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो रिजल्ट मिला है वो किसके इक्वल है, हमारे जेड के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, और ये हमने इस नंबर 3 में वेरीफाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और हमें प्रूव करना है क्या, जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जेड जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट, और उसके बाद उसका होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो इसका अगर कॉन्जुगेट फाइंड, तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करें तो किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर प्लस थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अब फिर से अब इसका हमें क्या फाइंड करना, अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मतलब होल जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो आप देखिए जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो है उसका जो हमें रिजल्ट मिला है वो किसके लिए, और वो किसके इक्वल आया है, हमारे जेड के इक्वल आया है। तो आप कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो वो क्या है, जेड के इक्वल है, और ये हमने नंबर 4 में वेरीफाई कर दिया है कि जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो वो क्या है, जेड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में हमें प्रूफ क्या करना है,
जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट जो क्या है जेड के इक्वल है, यही हमें इस नंबर में वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले नंबर 5 को हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2। यहाँ पर माइनस जो है वो इस ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या मिलेगी, प्लस 30/9 आयोटा। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट, और वो किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल आएगा, यही हमें इस नंबर में वेरीफाई करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो है जेड के इक्वल है, ये जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मतलब जेड बार इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 39/ आयोटा। ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब फिर से इसका हमें क्या फाइंड करना है, होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है इस कॉन्जुगेट का, जेड कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, माइनस 2 प्लस 30/9 आयोटा। तो आप देखिए जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट का जो हमें रिजल्ट मिला है वो किसके इक्वल आया, हमारे जेड के इक्वल आया, इस नंबर के इक्वल आया। तो आप कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट जो वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। और ये हमने नंबर 5 में वेरीफाई कर दिया है कि जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट जो वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आए सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में क्या है, 4x प्लस 3 आयोटा वाई। हमें वेरीफाई करना है कि इस नंबर 6 में जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट जो वो क्या जेड के इक्वल है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 4x प्लस 3 आयोटा वाई इज इक्वल टू जेड, ये हम एक जेड के इक्वल ले रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x माइनस 3 आयोटा वाई, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस की साइन थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। अगेन हम इस कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो माइनस कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा वाई। तो आप देखिए जेड कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट का जो हमें रिजल्ट मिला है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि जेड कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट जो वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। और ये हमने नंबर 6 में वेरीफाई कर दिया है। स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे और उसमें हमें वेरीफाई करना था कि जेड कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट जो वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेन। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसमें हमें एक्स और वाई के क्या फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करने हैं। नंबर 1 में क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा वो इक्वल है किसके, माइनस 5 प्लस 5 आयोटा के। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई के क्या फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है, हमारा एक्स है, और इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वाई है। तो सेम वे से इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल पार्ट माइनस 5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5 आयोटा है। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा, और हमारा इमेजिनरी पार्ट वाई वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वाई लिखेंगे और उसके साथ वाई का कोफिशिएंट लिखेंगे या आयोटा का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो हमने एक्स को, तो हमने रियल को रियल से इक्वेट किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया, इक्वेटिंग रियल ऑफ जेड विथ रियल ऑफ जेड एंड इमेजिनरी ऑफ जेड विथ इमेजिनरी ऑफ जेड। तो हमने क्या किया, एक्स को एक्स, रियल को रियल से इक्वेट किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया। इस तरह से हमारे एक्स और वाई के क्या फाइंड, तो इस तरह से हमें एक्स और वाई के वैल्यूज मिल गए। तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर 1, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के क्या फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो फिर से हम इक्वेट करेंगे, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो इसमें हमारा रियल पार्ट एक्स है और इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है, 16/9 है। तो एक्स इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, और सेम वैसे वाई क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/5। सुन देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, पर हमें किसके वैल्यूज फाइंड करने हैं, एक्स के और वाई के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो अगर हम स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, और 9 का क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा। मतलब हमें एक्स का वैल्यू क्या मिला, 4/3 मिला। तो सेम वे से यहाँ पर भी क्या है, वाई स्क्वायर है और 9/25 है। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 3/5 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। और सेम में से y ऊपर है क्या स्क्वायर, और अगर रेडिकल दें तो हमें पता है रेडिकल किसके इक्वल होती है 1/2 के होती है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें y मिल जाएगी। तो y किसके इक्वल आई है 3/5 और x किसके इक्वल आया 4/3 के इक्वल आया। तो यहाँ से हमने x और y के क्या फाइंड किए हैं वैल्यूज फाइंड किए हैं। तो देखो और नंबर 3 में क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपान 3 आयटा वो इक्वल है किसके 121 माइनस 9/5 आयटा की। तो सेम वैसे यहाँ से हमें क्या फाइंड करने हैं एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो फिर से हम रियल को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा रियल पार्ट है और इस साइड हमारा क्या है 121 हमारा क्या है रियल पार्ट है, और एक्स अपान 3 आयटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है और माइनस 9/5 क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं रियल पार्ट का। तो रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 ने। तो यहाँ से अगर हम y का स्क्वायर रूट निकाले तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा 11 के मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा y का वैल्यू हमें मिल गया है। तो सेम वे से हम क्या फाइंड करेंगे x का वैल्यू, और x से और x किसके इक्वल है x अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 9/5। तो आप देखिए यहाँ पर जो 3 है वो क्या है x से डिवाइड कर रहा है, अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा कैसे 9 से। तो x किसके इक्वल आ रही है माइनस 27/5 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया है और यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल गया है। तो सुन ये था हमें नंबर 3 में क्या फाइंड करना था, सिर्फ x और y के वैल्यूज फाइंड करने थे, और वो हमने किस तरह से फाइंड किए रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किया, और फिर हमने x और y के क्या फाइंड किए वैल्यूज फाइंड किए। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है रेडिकल 5/3x माइनस 3/2y आयोटा वो इक्वल है किसके x, और वो किसके इक्वल है 6 × √3/√2 प्लस 2 × √2/9 आयटा। तो यहाँ से हमें x और y के क्या फाइंड करने हैं वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो सेम वैसे रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो इसमें हमारा रियल पार्ट कौन सा है रेडिकल 5/3x, और इस साइड हमारा कौन सा रियल पार्ट है 6 × √3/√2, ये हमारा क्या है रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट है माइनस रेडिकल 3। तो और यहाँ से हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है माइनस 3/√2y वो किसके इक्वल है 2 × √2/9 आयटा के, और यहाँ से हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है वो इसके इक्वल है माइनस 3/√2y आयटा पहले वो इक्वल है किसके 2 × √2/9 आयटा के इक्वल है। तो यहाँ से हमें x और y के क्या फाइंड करने हैं वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे और रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो 5/√3x वो किसके इक्वल है 6 × √3/√2। तो ये आप देखिए दोनों तरफ हमारा क्या रियल पार्ट है। तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर रेडिकल 5/x वो किसके इक्वल है 6 × √3/√2। तो 3 जो है वो रेडिकल 5x से क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, अगर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या करेगा इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या होगा रेडिकल 5x इज इक्वल टू 3 × 6√3/√2। तो हमें क्या मिलेगा रेडिकल 5x इज इक्वल टू 18√3/√2। तो हमें क्या फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है, पर यहाँ पर क्या रेडिकल 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई है। तो रेडिकल 5 अगर x से यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो बराबर के इस साइड आएगी तो क्या करेगी डिवाइड करेगी किससे 18 × √3 से। तो हमें x क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 18√3/√2 × √5। और हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल से कि अगर दो बेस रेडिकल में हो तो उसे हमें एक रेडिकल में लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा x इज इक्वल टू 18√3/√10, क्योंकि रेडिकल 5 और रेडिकल 2 को हमने एक ही रेडिकल में रखा है और उसे एक रेडिकल में हमें रख दिया और उन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमें x का वैल्यू मिल गया है। तो सेम वे से हम क्या फाइंड करेंगे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y किसके इक्वल है माइनस 3/√2y इज इक्वल टू 2√2/9। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडिकल 2 जो है वो क्या कर रही है y से डिवाइड कर रही है, अगर बराबर के इस साइड आएगी तो इस नंबर से क्या करेगी मल्टीप्लाई करेगी। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2√2/√2/9। तो आप देख सकते हैं कि रेडिकल्स में दोनों रेडिकल्स में सेम बेस है तो इसे हम एक रेडिकल में रख सकते हैं। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2√5
फोर, और हमें पता है रेडिकल फोर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या मिलता है, हमें टू मिलता है। तो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर अपान नाइन, देख सकते हैं कि माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर अपान नाइन, और माइनस थ्री जो है वो वाई से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा कैसे, फोर से। तो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपान 27, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे और उसमें हमें एक्स और वाई के क्या कर रहे थे, वैल्यूज फाइंड करने थे। आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अभी आपको कोई डाउट या क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।